और यूपी में आम आदमी पार्टी की पहली जीत हो गई है। देखिए आम आदमी पार्टी भी कमाल करती हुई दिखाई दे रही है और कौशाम्बी में ये कहा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी का एक कैंडिडेट यहाँ पर जीत चुका है। अब वार्ड में जीत आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट की हुई है कौशाम्बी में। ये आम आदमी पार्टी खाता खोलती हुई उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव में। अवधेश, बिल्कुल ये बहुत बड़ी खबर है आम आदमी पार्टी के लिहाज से, क्योंकि यूपी विधानसभा चुनाव में बिल्कुल खराब प्रदर्शन रहा था, लेकिन देखिए कौशाम्बी में पार्षद प्रत्याशी ने जीत दर्ज की है। तो उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी ने सराय अकेल नगर पंचायत के वार्ड में जीत दर्ज की है। सराय अकेल क्षेत्र बड़ा महत्वपूर्ण है कौशाम्बी में और यहाँ पर आम आदमी पार्टी के पार्षद की जीत हुई है। तो यूपी में आम आदमी पार्टी का खाता खुल गया है। कौशाम्बी के सराय अकेल में पार्षद प्रत्याशी की जीत हुई है। तो बड़ी खबर, प्रयागराज का पड़ोसी जिला है कौशाम्बी और ये बड़ा महत्वपूर्ण है राजनीतिक तौर से। यहाँ पर नगर पंचायत के वार्ड में आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी की जीत हुई है। वार्ड नंबर 6 से आम आदमी पार्टी के सभासद प्रत्याशी जीत गए हैं। बड़ी खबर आम आदमी पार्टी के लिहाज से बहुत बड़ी खबर है। झांसी में इन सबके बीच भाजपा लगातार बढ़त बनाए हुए है। 10 राउंड की गिनती यहाँ पर लगातार पूरी हो चुकी है झांसी में और 10 राउंड की गिनती के बाद भाजपा को बड़ी बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। भाजपा से भी झांसी से भी भाजपा के लिए अच्छी खबर है। 10 राउंड की काउंटिंग यहाँ पर पूरी हो चुकी है और जानकारी ये कि 32,000 वोटों से भाजपा के बिहारी लाल आर्य आगे चल रहे हैं। भाजपा के लिए बड़ी और अच्छी खबर झांसी से इस वक्त सामने। 10 राउंड की काउंटिंग पूरी और इसके साथ ही भाजपा की बढ़त लगातार बरकरार है। बिहारी लाल वर्मा आर्य को लेकर के खबर है कि भाजपा के बिहारी लाल आर्य 32,000 वोटों से यहाँ पर आगे चल रहे हैं और दूसरे नंबर पर कांग्रेस के अरविंद यहाँ पर है। झांसी बिहार सीट को लेकर बड़ी जानकारी, दूसरे नंबर की पार्टी कांग्रेस पार्टी बनती हुई दिखाई दे रही है। सपा और बसपा दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे हैं झांसी मेयर की सीट पर। बिल्कुल, देखिए बुंदेलखंड में बड़ी उम्मीदें थी सभा को, लेकिन अमेठी से खबर आ रही है जायस नगर पालिका से कांग्रेस आगे चल रही है। कांग्रेस प्रत्याशी मनीषा 410 वोटों से आगे हैं। तो अमेठी से बड़ी खबर है, रुझान सामने आ रहे हैं और कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में एक रुझान जा रहा है। जायस नगर पालिका से कांग्रेस प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। तो अमेठी से राहत की खबर, रायबरेली से राहत की खबर कांग्रेस के लिए है। कांग्रेस प्रत्याशी मनीषा 410 वोटों से आगे चल रही है। भाजपा प्रत्याशी बीना सोनकर यहाँ पर पीछे चल रही है। तो ये रुझान में आई अमेठी की तस्वीर, अमेठी के जायस नगर पालिका से कांग्रेस प्रत्याशी इस वक्त आगे हैं और कांग्रेस प्रत्याशी मनीषा 410 वोटों से बढ़त बनाए हुए हैं। वहीं भाजपा प्रत्याशी की बात करें तो भाजपा प्रत्याशी बीना सोनकर पीछे चल रही हैं। तो अमेठी में राहत की खबर है कांग्रेस के लिए। रायबरेली से भी एक दो राहत की खबरें आई हैं। अमेठी के जायस नगर पालिका में कांग्रेस प्रत्याशी इस वक्त बढ़त बनाए हुए हैं। हालांकि वोटों का अंतर बहुत ज्यादा नहीं है, 410 वोट से आगे हैं, लेकिन फिर भी बढ़त तो बढ़त है। रुझान ये है और ये परिणाम में तब्दील आगे हो भी सकती है। बिल्कुल, और लगातार आपको और एक जानकारी हम दे रहे हैं पूरे ये देखिए चित्रकूट की बात कर लीजिए। नगर पालिका अध्यक्ष चित्रकूट धाम करवी में समाजवादी पार्टी कमाल करती हुई दिखाई दे रही है। सपा यहाँ पर जीतती हुई या फिर रुझानों में तो यही लग रहा है। और नगर पंचायत अध्यक्ष को 3 सीटें यहाँ पर है, मऊ, मनकापुर और मानिकपुर और राजापुर। सपा मऊ में और आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, भाजपा मानिकपुर में और साथ ही राजापुर में भी भाजपा ही आगे जाती हुई दिखाई दे रही है। तो नगर पंचायत अध्यक्ष की 3 सीटें मऊ, मानिकपुर, राजापुर, जहां में 2 में भाजपा आगे बढ़ती हुई, सपा मऊ में कमाल करती हुई और साथ ही ये चित्रकूट धाम करवी जो कि यहाँ की नगर पालिका की सीट है वहां पर समाजवादी पार्टी आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। शुरुआती रुझानों में चित्रकूट से बड़ी जानकारी है। बिल्कुल, देखिए चित्रकूट के आंकड़े इस लिहाज से महत्वपूर्ण है कि जब कानून व्यवस्था का मुद्दा उठता है तो चित्रकूट की बात होती है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।